हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास एट की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक है ना, आदि शर्मा की, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रखा है, रैशनल नंबर्स। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। ऊपर के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है। देखिए, क्वेश्चन 4 है आपके पास। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -8/9। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -4/15, उन दो नंबर में से एक नंबर आपको दे रखा है -4/15 है, फाइंड द अदर। तो दूसरा नंबर आप निकालिए। तो मैंने आपको बताया था, जब भी दूसरा नंबर निकालना हो तो क्या करो, x मान लो, ये कहा था हमने। तो चलिए वैसे ही करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेट अदर नंबर इज इक्वल्स टू x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन दे रखा था, जिसमें से एक नंबर था माइनस का 4/15, दूसरा मैंने x माना है, और इनका मल्टीप्लीकेशन था -8/9। अब x को यहीं छोड़ दिया मैंने, और इसको इधर ले आई माइनस के 4/15 को, तो ये डिवाइड का हो गया, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई का था। ठीक है, अब रैशनल नंबर है, डिवाइड तो होते ही नहीं ना, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, और बाद वाला नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। माइनस से माइनस काट दिया, 4 से इसको काट दिया, 2 आया, इसको 3 से काटा, इसको 3 से काटा, तो 5 2 जो हो गया 10, नीचे 3 ऐसे ही बचा है। इसका मतलब मेरे पास अदर नंबर निकल गया जो मुझको निकालना था, वो कितना निकल गया है, 10/3। क्लियर हुआ, ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।